आज हम आपको बताएंगे एक कुछ अजीब सा सवाल। जैसे देखिए आप, हमारे कोई नंबर, किसी नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको एन ओ लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी मोबाइल नंबर को लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। जो कुछ भी हो, हम यहाँ पर नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एन ओ के रूप में लिखते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं यहाँ पर एन ओ का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये नंबर को हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे NUMBER, यहाँ पर कहीं पर भी ओ नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में एन ओ क्यों लिखते हैं दोस्तों? तो इसका मतलब होता है, एन ओ का मतलब होता है नंबर इन ऑर्डर। नंबर इन ऑर्डर मतलब एक निश्चित क्रम में नंबर को लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कोई सी मोबाइल नंबर को लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई मोबाइल नंबर है 5 6 7 2 3 4 7 8 9, ठीक है, 1, ठीक। मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है, एक निश्चित क्रम में होता है, ये होता है एनओ का मतलब होता है नंबर इन ऑर्डर, मतलब एक निश्चित क्रम में संख्या। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा कर दें, अगर 7 को पहले लिख दें, 5 को, 6 को, ऐसे लिख दें, तो ये इसको हम एनओ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एनओ का मतलब होता है नंबर इन ऑर्डर, ठीक है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आपको इसके पहले इसका एनओ का मतलब पता था। धन्यवाद।